ये स्प्लीन था। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थाइमस था। ये थाइमस क्या होता है, अभी हम थाइमस के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा थाइमस, स्प्लीन थोड़ा बड़ा था, थाइमस थोड़ा आसान सा और छोटा सा है। तो ये थाइमस, सबसे पहले इसकी एनाटॉमी, के इसकी एनाटॉमी क्या होती है। थाइमस इज लोकेटेड इन द इंटीरियर सुपीरियर मेडिस्टिनम। ये इसकी एनाटॉमी है और इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ये आपका, ये यहाँ पे भी आपका हार्ट होता है, इधर भी आपका एक लंग होता है, इधर भी आपका लंग होता है, तो ये आपका ट्रेकियम मतलब हो गया। तो ये जो आपका ये वाला है, इसके बीच में दोनों लंग्स के बीच में जो भी चीजें आती हैं उसको मेडियस्टिनम कहते होते हैं। तो वो कहता है कि आपका जो स्टर्नम है ये अंटीरियर सुपीरियर मेडियस्टिनम में होता है, और ये यहाँ पे अगर आपके हम अच्छा स्टर्नम ले लें तो ये स्टर्नम के पीछे होता है, बैक साइड पे होता है, स्टर्नम की बैक साइड पे। ये इसकी एनाटॉमी है कि थाइमस लोकेटेड इन द अंटीरियर सुपीरियर मेडियस्टिनम और स्टर्नम के बैक में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में ऐसा आंसर था कि मेडेस्टिनम जो है ना, ये दोनों लंग्स के बीच में जो भी चीजें आती हैं उसको मेडेस्टिनम ने कवर किया हुआ होता है, और ये एंटीरियर सुपीरियर पड़ा होता है मेडेस्टिनम के, और स्टर्नम के बैक में पड़ा हुआ होता है, स्टर्नम के पुश्तैनी साइड में पड़ा हुआ होता है ये आपका थाइमस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि साइड थाइमस जो है ना प्राइमरी ऑर्गन है, पढ़ा था ना कल, आपको याद होगा, हमने उसमें पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन में, कि थाइमस प्राइमरी ऑर्गन है और इसका फंक्शन क्या था, टी सेल्स की डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन। याद रखें जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं वो कहाँ पे, इम्यून सेल्स वो जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। ठीक है, जितने भी इम्यून सेल्स हैं आपकी, उनकी प्रोडक्शन, जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन बोन मैरो में होती है, बी सेल्स हो या फिर टी सेल्स हो। बी सेल्स की मैचुरेशन बोन मैरो में ही हो रही थी, लेकिन टी सेल्स की मैचुरेशन कहाँ पे होके आके हो रही थी, आपके थाइमस में होके आके हो रही थी। तो यही बात वो कह रहा है कि साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन, ये कंसेप्ट हमने कल समझा हुआ है, मैंने वैसे रिपीट कर दिया है ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेटेड होता है, सेम वही चीज के ये इनकैप्सुलेटेड होता है, जिस तरह आपका लिम्फ नोड और आपके जो है ना स्प्लीन इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ये भी इनकैप्सुलेटेड होता है। अब हमने कल एक चीज क्या पढ़ी थी, कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपका जो थर्ड फ्रेंजल पाउच होता है उससे क्या बनता होता है, थाइमस बनता होता है। याद होगा मेरे ख्याल में सबको, हमने पढ़ा था कि थर्ड और फोर्थ फ्रिंजर पाउच डाइजार्जेंट रूम पढ़ा था कि उसमें मिसिंग होते हैं, और हमने कहा था कि थर्ड फ्रिंजर पाउच से क्या बनता होता है, थर्ड फ्रिंजर पाउच से हमने कहा था कि थर्ड फ्रिंजर पाउच से थाइमस बनता होता है। अब वो यहाँ पर ये सेम वही बात कर रहा है कि आपका जो थाइमस है, अब थाइमस के एपिथीलियम भी होता है थाइमस का, ठीक है, और थाइमस के आप जो है ना वो थाइमस के अंदर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, दो चीजें होती हैं, थाइमस की एपिथेलियल टिश्यूज भी होते हैं और थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स भी पड़े हुए होते हैं ना, जिन्होंने मैच्योर मैच्योर होना होता है। तो वो यही बात कर रहा है कि आपका जो थाइमस है उसका एपिथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड फ्रेंजल पाउच, ऑफ कोर्स थर्ड फ्रेंजल पाउच, लेकिन देखें ये थर्ड फ्रेंजल पाउच है। ठीक है, मैं एक सेकंड इसको आसान करके समझाता हूं, थोड़ा सा इसको इजी वे में लेके जाते हैं। वो कहता है कि ये आपका थाइमस है, ठीक है, ये लेट्स सपोज आपको थाइमस हो गया। वो कहता है थाइमस के दो हिस्से होते हैं, इसकी एपिथीलियम होती है और इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स भी पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है थर्ड फ्रेंजल पाउच है, थर्ड फ्रेंजल पाउच है, थर्ड फ्रेंजल पाउच के वो कहता है कि दो होते हैं, एक इसका होता है कि एंडोडर्म और एक होता है इसका मेसोडर्म। ये आपने पढ़े होंगे वो एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है उसमें लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये लेयर्स होती है। अब थर्ड फ्रेंजल पाउच की दो लेयर्स ले लें, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और थाइमस की दो चीजें ले लें, एपिथीलियम ले लें और उसके टी लिम्फोसाइट्स ले लें। वो कहता है जो थाइमस का एपिथीलियम होता है ये ड्राइव तो थर्ड फ्रेंजल पाउच से होता है, लेकिन थर्ड फ्रेंजल पाउच के एंडोडर्म से ड्राइव होता है। ठीक है, और वो कहते हैं जो थाइमस का जो आपके पास ये तो, और उसके थाइमस का जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये ड्राइव तो थर्ड फ्रेंजल पाउच से होते हैं, लेकिन थर्ड फ्रेंजल पाउच के मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं। मेरे ख्याल में सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ आ गया होगा आपको, आसान सा था कि आपके थाइमस के दो हिस्से होते हैं, एक एपिथीलियम टिश्यू और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, अब जो उसकी थर्ड फ्रेंजल पाउच होती है उसकी दो होती है, मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। आपका जो एपिथीलियम होता है वो कैसे बना होता है, एंडोडर्म से बना होता है थर्ड थर्ड फ्रेंजल पाउच की, और जो इसका टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके अंदर वो थर्ड फ्रेंजल पाउच के मेसोडर्म से बना हुआ होता है।
समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में, आसान से था। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बता दे, मैं फिर किसी और आसान तरीके में आपको समझा देता हूँ। चले मेरे ख्याल में समझ आ गया, था भी आसान सा वैसे। चले रीडिंग करते हैं इसकी। थाइमस एपिथीलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड फ्रेंजियल पाउच एंडोडर्म, वेयर एज थाइमिक लिम्फोसाइट्स आर ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके दो हिस्से होते हैं, आपके थाइमस के भी दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडोला। कॉर्टेक्स इज डेंस विद इमैच्योर टी सेल्स। अगर आपका ये लेट्स सपोज आपका थाइमस है, तो आपके थाइमस के दो हिस्से हैं, आपके थाइमस के दो हिस्से हैं, ये ले लेके ये एक बैर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और ये एक आपका जो है ना ये अंदर वाला हिस्सा हो गया। वो कहता है बैर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मेडोला कहलाता है। ये आप में से कोई ओवरराइटिंग कर रहा है इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, ये ओवरराइटिंग ना करें, कौन है ये, रिमूव करें इसको जल्दी से। प्लीज कैंडी इसको रिमूव करें जो भी इसके ऊपर ओवरराइटिंग कर रहा है। ये बहुत बुरी बात है, ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। अब ये है कौन जरा पता चल जाए इसका। चलें खैर, अब कहाँ पे थे, हम कहाँ पे थे, हमने कहा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला इसका जो है ना, अगर इसका कॉर्टेक्स होता है तो अंदर वाला इसका मेडोला होता है, ठीक है, अंदर वाला इसका क्या होता है, मेडोला होता है। अब आपको पता है कि आपको जो थाइमस होता है उसका काम क्या होता है, कि इमेच्योर आपके जो टी लिम्फोसाइट्स है, कौन है आपके इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स, उनको लेना और उनको लेके उनको मेच्योर कर देना। अब वो यही बात करता है कि आपके जो इमेच्योर टी सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स में पड़े होते हैं, यहाँ से ऊपर से वो लेता है इमेच्योर को और उनको मेच्योर करके कहाँ पे भेज देता है, आपके मेडोला में। तो आपके मेडोला में मेच्योर टी सेल्स पड़े हुए होते हैं। सिंपल सी बात है कि आपके कॉर्टेक्स में इमेच्योर टी सेल्स पड़े होते हैं और आपके मेडोला में जो है ना वो मेच्योर टी सेल्स पड़े हुए होते हैं। सेम यही बात आपको यहाँ पर रिपीट करेगा। थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, वैसे मुझे काफी दुख हो रहा है, ये कौन कर रहा है इस तरह की हरकतें। चले देखें, कॉर्टेक्स इज डेंस विद इमेच्योर टी सेल्स, मेडोला इज पेल, ये पेल कलर का होता है, विद मैच्योर टी सेल्स एंड हेजल कॉर्पसल्स। ये हेजल कॉर्पसल्स क्या होते हैं, हेजल कॉर्पसल्स ये होते हैं कि ये आपके जो ना ये अगर ये थाइमस है तो ये उसके मेडोला में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उसके मेडोला में होते हैं यहाँ पर, और ये जो है ना रेटिकुलर सेल्स के बने हुए होते हैं, ये रेटिकुलर सेल्स की बनी हुई कॉर्पसल्स होती हैं, इनको थाइमक कॉर्पसल्स भी कहते होते हैं और इनको हेसल कॉर्पसल्स भी कहते होते हैं। अब इनमें क्या होता है, ये रेटिकुलर सेल्स के बने हुए होते हैं। रेटिकुलर सेल्स क्या होते हैं, रेटिकुलर सेल्स कोलेजन बनाते होते हैं, आपको कोलेजन का तो सबको पता होता है, ये कोलेजन बनाते होते हैं, फिर यही कोलेजन फर्दर आगे जाके कनेक्टिव टिश्यू बनाता होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज थी हेजल कार्पसल के बारे में, कि हेजल कार्पसल आपके थाइमक के मेडोला में होता है, थाइमक के मेडोला में होता है और ये रेटिकुलर सेल से बना होता है, ये रेटिकुलर सेल आपका कोलेजन बनाते हैं और यही आपका कोलेजन आगे जाके कनेक्टिव टिश्यू बनाता होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा, आसान सा ये कंसेप्ट था। आगे चले जी, आगे क्या है कि आगे है कि नॉर्मल न्यूनेटल थाइमस, जो न्यूनेटल मतलब जो बच्चे का थाइमस होता है, जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, थाइमस सेल शेप का मतलब होता है एंगुलर शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप का इसका जो है ना वो थाइमस होता है ऑन CXR। अगर आप एक्सरे में देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं, ये एंगुलर शेप का आपका जो है ना ये थाइमस होता है, ट्राइंगुलर शेप का, यानी सेल शेप का थाइमस होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये इस तरह का ये सेल शेप का वहां पे आपको जो है ना ये दिखाई देगा आपके एक्सरे में। इन्वोलेट्स बाय एज 3 years, और जब बच्चे की एज 3 साल हो जाती है तो ये वहां से रिमूव हो जाता है, आपका थाइमस जो है ना वहां से रिमूव हो जाता है, ये वहां पर नहीं रहता।
तो मेरे ख्याल में सिंपल सा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो है ना ये थाइमस जो है ना ये सेल शेप्ड यानी ट्राइंगुलर शेप का होता है, ये यहाँ पर देखें ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है 3 साल का तो ये उसमें से रिमूव हो जाता है, हट जाता है ऑटोमेटिक खुद ब खुद। चले अब ये देखें जरा यहाँ पर इसकी, वो कहता है ये सेम भाई कंसेप्ट बता रहा है कि टी सेल्स कहाँ पर मैच्योर होते हैं थाइमस में, और बी सेल्स बोन मैरो में, दोनों बी बी से और टी टी से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा अब वो कहता है कि एब्सेंट थाइमिक शेडो और हैपोप्लास्टिक थाइमस। हैपोप्लास्टिक थाइमस क्या होता है? हैपोप्लास्टिक थाइमस यही होता है, हैपो का मतलब कम, प्लास्टिक का मतलब सेल्स, सेल्स का कम हो जाना, थाइमस और थाइमस के सेल्स का कम हो जाना, यानी आपका अगर हैपोथैलेमस अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, कंप्लीट तौर पर डेवलप्ड नहीं है, उसके सेल्स कम है, अंडर डेवलप्ड है, या फिर थाइमस शेडो आ रहा है, आपका जो एक्सरे आपने देखा है उसमें जो आपका थाइमस का जो ये वाला शेडो था ये वाला ये नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो उसमें क्या होगा? वो कहता है उसमें हो सकता है कि सीन इन सम इम्यूनो डेफिशिएंसीज, अगर आपको आपके इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसीज है जैसा कि SCID हो गया, सिवियर सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी आपकी हो गई, या तो ये इसको ये वाली बीमारी होगी या फिर उसको डाइजीआर सिंड्रोम होगी, क्योंकि याद करें डाइजीआर सिंड्रोम में थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल पाउचेज नहीं होती, थर्ड फ्रेंजल पाउच नहीं होगी तो थाइमस नहीं बनेगा, मतलब थाइमस मिसिंग होगा, जब थाइमस होगा ही नहीं तो उसका शेडो कहाँ से आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात लिखी हुई थी, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। इसमें क्या है वो कहते हैं कि एब्सेंट थाइमिक शेडो, आपको जो थाइमिक का शेडो होगा वो मिसिंग होगा, या फिर हैपोप्लास्टिक थाइमस होगा अगर आपको SCID और डाइजीआर सिंड्रोम है, मतलब कि आपने एक्सरे किया है और एक्सरे में आपको थाइमस का शेडो नहीं मिल रहा या फिर कम मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इस पेशेंट को या तो यानी उस बच्चे को या तो डाइजीआर सिंड्रोम है या फिर उसको SCID है, दोनों में से कोई एक उसको इम्यूनो डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब छोटी सी चीज जो रह गई है थाइमस की लास्ट में बिल्कुल, वो क्या है? इसका थाइमोमा है, थाइमोमा, थाइमोमा कहते हैं थाइमस के ट्यूमर को, थाइमस के ट्यूमर को क्या बोलते होते हैं? थाइमोमा बोलते होते हैं। न्यू प्लाज्मा ऑफ थाइमस यानी थाइमस के कैंसर को हम क्या बोलते हैं? थाइमोमा बोलते होते हैं, और ये थाइमोमा इज एसोसिएटेड विद मैस्थेनिया ग्रेविस, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, प्योर रेड सेल एप्लेशिया एंड गुड सिंड्रोम। अब ये क्या होती है? अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास ये मैथेनिस ग्रेवस क्या होती है। मैथेनिस ग्रेवस ये होती है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, कौन सी एंटीबॉडीज? ऑटो एंटीबॉडीज, आपकी अपनी ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं कि आपके जो मसल्स हैं, आपके मसल्स हैं और उन मसल्स को जो नर्व सप्लाई हो रही है उनके दरमियान में जो ये राबता है ना उस राबते को कट कर देती है, तो ये राबता नहीं हो पाता, मतलब ऑटो एंटीबॉडीज अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो जाके आपकी नर्व्स और मसल्स के दरमियान जो रब्ता हो रहा है उसको कट कर देंगी, तो मसल्स को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मसल्स कोई नर्व या कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं करेंगे, तो इस तरह आपके मसल्स जो है ना वो वीक हो जाते हैं, मसल्स क्या हो जाते हैं? वीक, तो आपको मैस्थेनियस ग्रेवस में मसल वीकनेस हो जाती है, और ये एसोसिएटेड होती है आपके थाइमोमा के साथ, मतलब अगर आपके जो है ना थाइमस के ऊपर आपका कैंसर बन गया है तो ये हो सकता है कि आपका यही थाइमोमा मैस्थेनियस ग्रेवस का काज बन जाए। तो ये मेरे ख्याल में आसान सा था कि आपके नर्व्स, सॉरी मैंने इसको रिमूव ही कर दिया, ये आपके नर्व्स और आपके मसल्स के दरमियान में जो कनेक्शन है वो ऑटो एंटीबॉडीज जाके खत्म कर देती हैं, तो जब वो खत्म होती है तो आपको मसल्स की वीकनेस हो जाती है, तो मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम क्या होती है कि आपका जो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम होता है, आपका जो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम होता है, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में आपकी जो सुपीरियर वेना कैवा होती है, आपकी जो सुपीरियर वेना कैवा होती है उसमें कैंसर बन जाता है इस तरह का, जब उसमें कैंसर बनेगा तो उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम पड़ जाता है, ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है, तो ब्लड का फ्लो कम कम पड़ जाता है, और इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि इसमें बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं, ये बहुत से प्रॉब्लम फिर इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जब सुपीरियर वेना कैवा में ब्लड का फ्लो ही कम हो रहा है तो उससे बहुत सी डिजीज हो सकती है। बस सुपीरियर वेना कैवा ये देख लें कि आपकी ये ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें आपके सुपीरियर वेना कैवा में कैंसर, ये कैंसर वगैरह बन जाता है तो ब्लड का फ्लो जो है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो माइक बंद करें प्लीज काइंडली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पीडियाट्रिक
प्योर रेड सेल एप्लेशिया, ए का मतलब होता है नहीं और प्लेशिया का मतलब सेल, और रेड सेल मतलब आपके रेड ब्लड सेल्स बनेंगे ही नहीं। आपके रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते होते हैं? हमारे रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर बनते होते हैं, तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स ही नहीं बनेंगे आपके बोन मैरो के अंदर, तो आपके ब्लड में जो है ना रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया, मतलब आपके ब्लड में जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। प्योर रेड ब्लड रेड सेल एप्लेशिया बोलते होते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास गुड सिंड्रोम है। गुड सिंड्रोम क्या होती है? गुड सिंड्रोम एक कंडीशन है थेमोमा में, जिसमें आपको हैपो गैमाग्लोबिनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है आपको? हैपो गैमा ग्लोबिनीमिया। ये माइक किसका खुला हुआ? प्लीज काइंडली माइक बंद कर दे अपना। हैपो का मतलब है कि कम पड़ जाना, ठीक है, हैपो का मतलब कम पड़ जाना। इसमें आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज, और इमिया ब्लड में, तो आपके ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन्स या जो आपकी एंटीबॉडीज होती है वो क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है। इसे आप गुड सिंड्रोम कहते होते हैं। जब आपकी एंटीबॉडीज कम पड़ जाएंगे तो आपको इजीली कोई भी इंफेक्शन हो सकता है, जैसा कि आपके इंफेक्शन में जो है ना वायरल इंफेक्शन हो सकता है, आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, आपको फंगल इंफेक्शन, आपको कोई भी इंफेक्शन इस कंडीशन में हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि ये सारा क्या होता है थाइमस। अगर स्टिल समझ नहीं आया तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो बंदा कर रहा है ना, ये जो भी चीजें कर रहा है, मुझे एक बार इसका पता चल जाए कि ये कौन है। ये अपने जो है ना पढ़े लिखे होने का सबूत देते हैं कि यस वी आर वेल एजुकेटेड, हम काफी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और ये हम अपना सबूत यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि हम एक अच्छे खानदान से हैं, हमारी तरबियत बहुत अच्छी की हुई है हमारे पेरेंट्स ने, कि ना हम खुद पढ़ेंगे ना दूसरों को पढ़ने देंगे, और क्लास में जो है ना सारा माहौल जो है ना वो खराब करके रखेंगे। चले, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट थाइमस जो है ना वो कंप्लीट कर ली है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी था।